देखिए बोर्ड पत्रों में बीच में अभी दूर से आए हुए हैं और पूरा रोमांचक खेल महोत्सव का। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ से। तो अभी मैं जाने वाली हूँ डिडीहाट अपने घर। तो गाइज, मैं पहुँच चुकी हूँ डिडीहाट अपने घर। तो मैं गाड़ी में अपना वीडियो शूट नहीं कर पाती क्योंकि गाड़ी में बैठने मुझे बहुत हेडेक होने लगता है, तो मैंने उसके बाद शूट नहीं किया। और तो मैं अभी घर पहुँच चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 1:30। तो अभी हमें जाना है ग्राउंड में। तो ग्राउंड में चल रहे हैं खेल महोत्सव हाटप की तरफ से। तो आज हमें वहाँ भी बुलाया गया है, तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमें आज क्यों बुलाया गया है। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉक में आगे। क्यों रेडी, मैंने कुछ इस प्रकार का आउटफिट पहना है, तो चलते हैं। ब्लॉक के साथ बने रहिएगा। तो ग्राउंड में खेल महोत्सव की तैयारियां कुछ इस प्रकार से शुरू हुई थी, जो कि यह पुरानी वीडियो है। तो अभी आपको वीडियो में नज़र आएगा कि यह बनने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके थे ग्राउंड में और हम बैठ गए थे आगे फील्ड पर। तो यहाँ पे चल रहे हैं वॉलीबॉल मैच और आपको पीछे से साफ दिखाई दे रहा होगा कि वो पेंटिंग कितनी मस्त लग रही है। और यहाँ पर चल रहे हैं अभी वॉलीबॉल मैच। तो चलिए वॉलीबॉल का नज़ारा लेते हैं। तो यहाँ पे सभी महिलाओं जिनको आज बुलाया गया था और ब्लॉगर जो थे, तो सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो देखिए आगे को वीडियो में। बैचलंगित कराया और आपको फिर मुकाबले की ओर लेके चलो। मैं 19-6 पर है, यहाँ पर था मुकाबला 19-6 पर आ गया मुकाबला। इसी बीच में हमारे बीच में कांडा कांडे बरला की ग्राम पटायन तहसीला मैम है, तो आपको भी यहाँ पर बैचलंगित कर आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा। आपके नेतृत्व में भी बेहतरीन कार्य चल रहे हैं। महिला विंग महिला जो नेतृत्व है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है वर्तमान समय में विभिन्न ग्राम सभाओं में। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारी जितनी हमारी ब्लॉगर हैं, तो वो अभी हमारे बीच में पहुंची हैं। बेहतरीन काम है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आपकी महिलाएं खेत से लेकर देश चलाने तक हर जगह अव्वल है, तो बहुत बेहतरीन काम हमारे इस मंच के माध्यम से। आज सौभाग्य इस मंच का ये मात्र शक्तियों को हम लोग यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में व्यापार सिंह की हमारी सम्मानित उपाध्यक्ष रजनी कन्याल मैम भी हमारे बीच में, आपको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और मुकाबले की ओर मैं लेकर चलो 22 के स्कोर पर यहाँ बेरीना लगभग इस मुकाबले में एक दफा करती हुई टीम बेरीना। और कुछ ही देर के बाद हमारी पूर्व कांग्रेस कमेटी की पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानित पुष्पा जोबा मैम भी हमारे बीच में पहुंचेंगे, उनका भी यहाँ पर सम्मान होना है। तो आज काफी उत्साही दिन और हमारे बीच में पीहू टोलिया जो बेहतरीन कार्य कर रही है ब्लॉक के माध्यम से, जो हमारी संस्कृति है जो हमारा कल्चर। मैं नहीं मांग रही। इसके बाद का मुकाबला का बचे बीबीए सी के बीचों का, तो दोनों टीमें इसके बाद अपना मुकाबला करने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा है। बेहतरीन होने वाले इस मुकाबले में आज हमारे बीच में मात्र सर और फिर से यहाँ पर एक अंक का इतिहास हुआ, तीन बराबर बराबर का था, तीन बराबर और इस बार सवारी गई और आए हुए तो सबका चेतन और मैं विशेष रूप से विद्यासागर पब्लिक स्कूल की प्रबंधक बड़ी बहन रेणु भंडारी कार्की जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके द्वारा जनरेटर की व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ पे आयोजन प्रदान की गई है और इस मंच को खूबसूरती के साथ सजाने का कार्य अभी बैकग्राउंड में चल रहा है आपकी पूरी टीम का टीम के द्वारा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आप लगे थे खास अनुभव
ऐसे अनुभवी निर्णायक इंद्रजीत संस्थानों सर हमारे बीच में स्कोर की ओर आपको लिए चले तो दो एक पर बलवंत राव आए हुए दो इस बार क्या बेहतरीन ग्राहक बलवंत राव जी के द्वारा अपनी टीम को लेकर आए दो दो की बराबरी पर और इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले और क्वार्टर फाइनल मुकाबले के अतिथि के रूप में हमारे बीच में पिथौरागढ़ जनपद के जिला क्रीड़ा अधिकारी हमारे बीच में बहुत बजेंगे कुछ पश्चात और इस बार कंपी कर एक अंकमिला पूरा कर अभी को तीन दो पर चलता हुआ यहाँ पहला सेट नानू टोलिया आए हुए थे और अंक लेने में सफल है नानू जो कि हमारे करण टोलिया जी के सुपुत्र है नानू तो टोलिया जी काफी बेहतरीन खेलते हैं इसी मैदान पर होम ग्राउंड है नानू भाई का और इसी के साथ एक और अंक ले जाता टीम डीबीए ठाकरा 4-3 4-3 पर अगला मुकाबला लाइन जजेस जल्दी से अपना पोजीशन लेंगे लाइन जजेस रोमांचक और वही इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले प्रारंभ हो जाएंगे और जिला डीबी हार्ट से तीन ओवर कराइए अभी अभी हमारे डिटिहाट खेल महोत्सव में पहुंच चुके हैं ढोलकपुर से मोटू और पतलू तो देखिए मोटू पतलू का यहाँ पर चल रहा है डांस और पीछे पे हमारे वॉलीबॉल मैच भी साथ पे चल ही रहे हैं जोहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आयोजक मंडल को 1,100 रुपए की धनराशि यहाँ पर सहयोग हेतु प्रदान की गई आपका कोटि कोटि धन्यवाद वही प्रबंधक सूर्य मंडल श्री इंटर कॉलेज सम्मानित श्री देवी दास जोशी जी के द्वारा आयोजक मंडल को बेहतरीन इस आयोजन के लिए 500 रुपए की धनराशि यहाँ पर प्रदान की गई है आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद ये ऊपर जो बैनर के ऊपर बैठ गए तो यहाँ पे ओगला वर्सेस हार्ट का क्वार्टर फाइनल मैच चलने वाला था जिसकी यहाँ पे तैयारी कर रहे थे दोनों टीम तो मौसम भी खराब सा हो रहा था तो मैं उसके बाद घर को आ गई थी तो एक बार फिर से मैं आयोजक टीम और हार्ट सर्प ग्राम सभा के सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया और मेरे को सम्मानित किया तो आप सभी लोगों का सही दिल से शुक्रिया तो शाम को बारिश होने के बाद का मौसम कुछ इस प्रकार से हुआ था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बाय बाय टेक केयर